चौधरी रणवीर सिंह जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि, उनका सारा जीवन जो है संजय कोटानी जी का समाज सेवा में और देश की सेवा में, महान स्वतंत्र सेनानी थे। वो 8 विभिन्न जेलों में रहे, जो 4 आज हिंदुस्तान में हैं, 4 पाकिस्तान में, और किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज़ उठाई, चाहे वो संविधान सभा हो, चाहे प्रोविजनल पार्लियामेंट हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंजाब असेंबली हो, चाहे हरियाणा असेंबली हो, चाहे राज्यसभा हो, हर हाउस में किसान की आवाज़। तो जिस तरीके से आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने गरीबों की आवाज़ उठाई, लोगों की आवाज़ उठाई, तो क्या आज आपको लगता है कि वो आवाज़ आज कामयाब सिद्ध हो रही है? कामयाब होनी चाहिए, और जब अपने पूर्वजों का देख कर ही, जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये समाज में, तो वो नहीं करेंगे तो वो समाज, वो परिवार, वो प्रदेश देश तरक्की नहीं कर सकता। तो आज सब हमारा ये बनता है, जिन भावना से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो सपना देखा उन्होंने, वो पूर्ण करने का। सर, केंद्र सरकार का आज बजट आ रहा है, तो क्या उम्मीद लगती है आपको? अब तक क्या हुआ है, अब भी कोई खास बात करते हैं तो, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले का बजट है, तो उम्मीद यही है, जनता यही उम्मीद कर रही है कि कुछ बेहतर हो। उम्मीद 2022 में कर रहे थे कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा हुई। हरियाणा सरकार का भी बजट आने वाला है सर, क्या तैयारियां आप लोग? खर्चा और बढ़ जाएगा प्रदेश पे, कोई ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कोई नया काम उन्होंने किया नहीं, कोई जनहित का फैसला लिया नहीं, जनहित का कार्रवाई की नहीं, सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम किया। जो कर्जा 2014 में 87,000 करोड़ था, वो 4.5 लाख से करोड़, आप देखेंगे बजट में कितना और कर्जा बढ़ाएगा। आपकी भी बैठक है सर 7 तारीख को, आपकी भी बैठक है? हाँ, 7 तारीख का मेरा चुनाव को लेकर क्या देखिए स्टेप है।